जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये समसाहून। नयो की चर्चा अपन कर रहे हैं, आज बहुत लेट हो गए, हम क्षमा चाहेंगे और बहुत जल्दी अपने विषय पर ही आएंगे। हम दो प्रकार के नयों की चर्चा अच्छे से हो गई है लगभग, फिर भी बाद में एक बार और करेंगे, लेकिन आज हम दो नयों की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में नयों की चर्चा तो सॉल्ट है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत बड़ा है। हमें जिन शासन में कल हमने कहा था, स्यादवाद का मूल प्रयोजन है भेद विज्ञान करके अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव करना। हम अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव करेंगे तो उसी से हमें दर्शन ज्ञान चाहत की सिद्धि होगी, उसके सिवा और कहीं हमें सिद्धि नहीं होगी। तो हम उसी एंगल से पढ़ रहे, थोड़ा समय लगता है हमारे पास। नंबर तीन नंबर का नहीं क्या था, उपचरित सद्भूत व्यवहार। सद्भूत क्यों कहा था उसको, क्योंकि वो उसकी सत्ता आत्मा में है। मोह राग द्वेष की सत्ता आत्मा में है। हमारा चोर क्यों कहा था, हमें पसंद नहीं चोर, हम रखना भी नहीं चाहते, बुलाना भी नहीं चाहते, हम उस चोर का पोषण भी नहीं करना चाहते, हम कभी नहीं चाहते चोर हमारे घर में आए, फिर भी हम कह रहे हमारा चोर पकड़ा गया, हमारा चोर है ये, हमारा राग है, हमारा द्वेष है, हमारा लोभ है। कल इसकी चर्चा की थी अपन। ऐसे आचार्य देव कहते जो हमें पसंद नहीं ना वो उपचरित है। पॉइंट बोल दिया हमने, क्या कहा, जो हमें पसंद नहीं है भले ही हमारी सत्ता में, वो उपचरित है। हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वो हमारा नहीं है। कुछ कहा मैंने, हम ऐसा व्यवहार करेंगे वो हमारा नहीं है। उपचरित का मतलब क्या निकला, फॉर्मल। हम फॉर्मेलिटी में कह रहे हैं कि जी मोह राग द्वेष हमारा है, लेकिन हमें पसंद नहीं है मोह राग द्वेष, हम किसी कीमत पर नहीं चाहते, हमारा बस चले है। तो आज एक अनंत काल में कभी चोर घुसे ही ना, हमारी आत्मा की सत्ता में अनंत काल में कभी मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो, चाहते तो हम है। ठीक है, फिर भी हम बोल रहे हमारा चोर, हमारा मोह, हमारा राग, हमारा द्वेष आत्मा की सत्ता में है, लेकिन मैं उसका स्वामी नहीं। कहेंगे तो सही, जिम्मेदारी लेने के लिए, आपको याद होगा हम उपचार से भी कर्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल, हम उसके कर्ता हैं, क्योंकि भूल हमारी है। अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई, यदि आत्मा ने इन मोह राग द्वेष की संगति नहीं की होती तो हम चार गति में पिटते नहीं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, जो लोहा है वो इसलिए पिट रहा है क्योंकि अग्नि की संगति कर रहा है। आत्मा सिद्धों के समान आनंद क्यों नहीं कर रहा आज, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आज भूल मेरी अधिकारी, इस भूल को स्वीकार करने के लिए मोह राग द्वेष मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुनो, यदि मोह राग द्वेष को अपना मानना जिम्मेदारी है तो इसे मिटाना भी जिम्मेदारी है। मोह राग द्वेष को मिटाना भी मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अनंत भगवान आकर नहीं मिटाएंगे मेरा मोह, गुरु श्री नहीं मिटा देंगे, हमारे आचार्य श्री नहीं मिटा देंगे, तीन काल के सारे सिद्ध मिल जाए तो भी नहीं मिटाएंगे। जिम्मेदारी मेरी है, मोह राग द्वेष का मिटाना मेरी जिम्मेदारी। तो इसके लिए तो कहा तीन नंबर से कि मोह राग द्वेष मेरा है, मैं इस मोह राग द्वेष का करता हूँ, मैं इस मोह राग द्वेष का भोगता हूँ, लड्डू को नहीं भोगता हूँ, लड्डू के राग को भोगता हूँ। आज तक विश्व में एक भी आदमी ने शादी का सुख नहीं भोगा, लेकिन शादी के राग को भोगता। क्या कह दिया हमने, विश्व में कोई माई का लाल, हमारे अपनी भाषा है माई का लाल, कोई कह दे कि हमने आज तक शादी के सुख को भोगा है, बता दे कोई, राग को भुगता है। और अगर उसी में उसका कोई फॉल्ट निकला है तो देश का दुख भी वही भुगतता है, माने जिससे राग की पूर्ति नहीं होती है, ये पहले किसी और से प्रेम करती थी तो उसका द्वेष का दुख भी वही भुगतता है, बराबर है। तो ये राग द्वेष की जिम्मेदारी मेरी है, ये तीन नंबर का नायक कहता है। इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना सज्जनता है, मोह राग द्वेष की जिम्मेदारी स्वीकार करना प्रतिक्रमण है।
व्यवहार प्रतिक्रमण। निश्चय प्रतिक्रमण तो यह है कि अब मोह राग्निश उत्पन्न ही ना हो, प्रत्यक्षान उत्पन्न नहीं हो इसका नाम प्रत्यक्षान है। अब अनंत काल में मोह राग्निश उत्पन्न नहीं होगा, ये प्रत्यक्षान है निश्चय से। भावना ये भारत की अब कभी उत्पन्न नहीं हो, ये व्यवहार प्रत्यक्षान है। वर्तमान में भी जो मोह राग्निश हम जान रहे हैं व्यवहार से आलोचना है, और वर्तमान में ही मोह राग्निश से रहित आत्मा को देख रहे हैं निश्चय आलोचना है। अब हम इस निश्चय आलोचना की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी आलोचना? निश्चय आलोचना की तरफ, कि वर्तमान में मोह राग द्वेष है लेकिन हम अपने को आत्मा देखेंगे। क्यों देखेंगे? कि मोह राग द्वेष को देखने से मोह राग द्वेष नहीं मिटते। क्या कहा? मोह राग द्वेष को देखने से मोह राग द्वेष नहीं मिटते। वेद विज्ञान के बल पर वर्तमान में ही मोह राग द्वेष से रहित आत्मा का अनुभव करेंगे तो मिटेंगे। देखो सब लिखा तो है, मेहमान को देखते रहने से मेहमान नहीं नहीं जाएगा। सही है, बिल्कुल आपका दृष्टांत सही है। आप उपेक्षा व्यक्ति से केवल अपने को देखो बस, तो अपने आप चला जाए। बस खत्म, बहुत सरल दृष्टांत हो गया, तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दृष्टांत। फिर भी मैं एक दृष्टांत कह देता हूँ, बोलने में तो यही आएगा पंखा बंद करो, बोलने में तो यही आएगा पंखा बंद करो। तुम कर सकते हो पंखा बंद? हाँ, पंखा बंद नहीं करना है, स्विच ऑफ करना है। बोलने में आएगा पंखा बंद करो, स्विच ऑफ करोगे आप, स्विच ऑफ करोगे तो पंखा बंद होगा। ऐसे जो आत्मा में रमेंगे उनका मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, मोह राग द्वेष का पंखा बंद हो जाएगा। मन वचन काय का पंखा, पंखे में कितनी पंखड़ी होती है? कितनी पंखड़ी होती है? मन वचन और काय बंद हो जाएगा, खत्म। लेकिन अपने को क्या, अपन बोलते हैं कि मोह राग द्वेष को जीतो, तो हम मोह राग द्वेष कहां है? मोह कहां है? राग कहां है? द्वेष का? अरे भामट ढूंढ। तुझे मोह राग द्वेष का पंखा बंद करना है तो पंखा को देख भी मत। यदि यहाँ पंखा चल नहीं रहा, नहीं तो हम एक बच्चे से बोलते बेटा पंखा बंद कर, तो पंखे की ओर देखता भी नहीं, वो सीधे स्विच बोर्ड को देखता, वो पंखे की ओर नहीं देखता, स्विच बोर्ड ढूंढता, कहाँ है स्विच बोर्ड, वो रहा ऐसे ढूंढता वो। ऐसे हम आपसे कहेंगे तो तीन नंबर की भाषा में तो यही कहेंगे, मोह राग द्वेष मत करो, कभी मत करो, परिणामों की संभाल रखो, बिगड़ने नहीं चाहिए परिणाम, अपने परिणामों में सावधान रहो। उपदेश की शैली यह है, तो आप दिन भर बैठ कर टेंशन नहीं करो, आचार्य श्री ने हमको बहुत आज्ञा की है मोह राग द्वेष नहीं करना, घर का मोह नहीं करना, व्यापार का दुख मोह नहीं करना, पत्नी का राग नहीं करना, ये भगवान भी कल क्यों आ गए, और पंखा चालू। तो पंखा बंद करना है तो उधर मत देख, उस आत्मा का अनुभव कर जिसके बाद वो कोई पंखा चलने वाला नहीं। तो अब हम भेद विज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम ये कहेंगे, अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें आत्मा में रमणता करनी है, आत्मा का अनुभव करना है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि मोह राग द्वेष को मिटाना हो तो मोह राग द्वेष की याद नहीं करना। क्या कहा? मोह राग द्वेष को मिटाना हो तो याद ही नहीं करना। जैसे बच्चे को भूत का डर लग रहा हो रात को, कहानी है ना, कहानी सुनाते हैं बच्चों को राक्षस, तो बच्चा रात को 12 बजे नींद खुली और वो स्टोरी याद आ गई, राक्षस के बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े पंजे, वो फाड़ के खा गया, वो एकदम चीखने लगा, तो मम्मी ने उसको गले से लगा दिया। तो उसे क्या कहना चाहिए मम्मी को बच्चे से? कहां है कुछ भी तो नहीं, देख मैं हूँ, मुझे देख, कुछ भी तो नहीं, देख कुछ नहीं। अब मान लीजिए माँ उसको बार बार सुनाए, कहां है बड़ी बड़ी आंखों वाला राक्षस, बता कहां है वो ऐसा राक्षस, वो जी फाड़ने वाला राक्षस कहां है, फाड़ के खाने वाला कहां है? तो बच्चा, वो बच्चे का डर नहीं मिटेगा। बच्चे को ये बोल, तू मुझे देखना। ऐसे आत्मा कहती है, आत्मा, मुझे आत्मा में एक शब्द अच्छा लगता है आखिरी में, हाँ आत्मा, ये भी एक माँ है, अपनी आत्मा को देखो, बस सारे भय खत्म हो जाएंगे। मैं सच क्या कहूँ आपको, जैन शासन पाया माने अनंत जन्मों का भाग्य है, अनंत भी कम पड़ते हैं, अनंतानंत, क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार तो कितने हो जाएंगे बोलो, हम कितने भाग्यशाली होंगे ये तत्व मिला है। बराबर चलूं आगे, अपने कोई उपाय करना पड़ता है? कोई उपाय नहीं करना पड़ता, आत्मा को जानना है बस केवल। तो मैं अब आगे चलेंगे इसमें, सबसे पहले जैसे हमें पंखा को नहीं देखना, ऐसे मोह राग द्वेष की याद नहीं करना। मोह राग द्वेष को डरना नहीं है, मोह राग द्वेष से मिटाना है ना, तो मोह राग द्वेष को देखना नहीं है, डरना नहीं है। अब कोई कहेगी मोह राग द्वेष को जानना तो है कि नहीं, नहीं मोह राग द्वेष को जानना भी नहीं है, जानने में आए तो डरना नहीं,
क्या बोला? मोह राग द्वेष को जानना नहीं है, और जानने में आए तो बच्चे को भूत की कहानी याद दिलाना नहीं है, और कहानी याद आ जाए तो डरना नहीं, और इतना सा मंत्र हो गया तो मोक्ष चले जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं बाद में, अब थोड़ा सूक्ष्म तरीके से कहेंगे। अभी तक हम फोटो की बात कर रहे थे, कैमरे की हमने थोड़ी सी चर्चा, एक्सरे की भी की, अब डीएनए की चर्चा करेंगे। अब हम एमआरआई रिपोर्ट निकालेंगे क्या होता है। आचार्य देव कहते हैं शिष्य का प्रश्न है कि जब मोह राग द्वेष मेरे में अनादि से हो रही है तो मैं उसकी चिंता क्यों नहीं करूं? जब मोह राग द्वेष मुझे द्रव्य कर्म का बंद कराने में सहायक है, निमित्त है, तो फिर मैं चिंता क्यों नहीं करूं? कहीं 70 कोड़ा कोड़ी है, 8 करोड़ 8 कर्म है, 148 प्रकृति है, ऐसी भयानक भयानक कर्म है, वो मेरे को बंद रहे होंगे और मेरा कल्याण नहीं हुआ इन 10-20 सालों में देह छूटने से पहले, तो मेरा तो बंडर ढार हो जाएगा, तो मैं चिंता क्यों नहीं करूं? तो अब आचार्य देव बहुत सूक्ष्म उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर सुनने जैसा है। आत्मा तीनों काल मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं, ज्ञान का कर्ता तो है लेकिन मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं है। क्या बोला हमने, कोई बोलोगे आप लोग? आत्मा तीनों काल मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं है। एक पहले स्वीकार कर लिया कि मैं राग द्वेष का कर्ता हूँ, स्वीकार कर लिया हो, और अब कह रहे हैं कि आत्मा मोह राग द्वेष का तीनों काल कर्ता नहीं है। होता तो है, क्या बोला हमने, होता है लेकिन करता नहीं। इसके लिए मैं 2-3 दृष्टांत देकर के बात समझाऊंगा, क्योंकि ये बात समझ में आनी चाहिए जरूर कि हम त्रिकाला कर्ता कैसे माने, हम त्रिकाल ज्ञाता कैसे माने। आचार्य श्री तो बार बार कह रहे त्रिकाल ज्ञाता देखो, आप अपने को ज्ञाय का अनुभव करो, चिंता नहीं करो। तो 2-3 दृष्टांत देंगे। पहला दृष्टांत एपिल, एपिल समझे, सफरजन, सेव फल, एपिल क्या बोलती है, ठीक है, इससे खून बनता है कि पीप बनती है कि सिर दर्द बनता है? यदि वन पूछे डॉक्टर को तो सेव में, या रोटी ले लो, दाल चावल ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो, दूध में से पीप बनती है कि खून बनता है, कैल्शियम बनता है, ऐसे से बोले डॉक्टर, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ऐसे से बोलेगा? कोई दूध ऐसा है जिससे पीप बनती है? लेकिन डॉक्टर कहेगा हाँ बनती है, किसी दूध में पीप बनाने की ताकत नहीं है लेकिन तेरे में पचाने की ताकत नहीं है तो पीप बनती है। कोई घी में ताकत नहीं है तुझे सिर दर्द दे, लेकिन तू घी खाना नहीं समझता हो, घी को पचाना नहीं जानता हो, घी को कितना कैसे खाना चाहिए नहीं जानता हो, तो तुझे सिर दर्द भी हो सकता है, तुझे डायबिटीज भी हो सकती है, तुझे हार्ट अटैक भी हो सकता है। हम पूछ रहे हार्ट अटैक भोजन से होता है या हार्ट अटैक भोजन से मिटता है? कायदे से तो भोजन से स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए, भोजन काय के लिए करते, स्वास्थ्य के लिए, ताकत के लिए, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो उल्टा करने का कारण सेव फल में नहीं है, दूध में नहीं है, घी में नहीं है, तेरे अंदर जो विकृति ना तत्समय की योग्यता, वो तत्समय की योग्यता उससे ऐसा हो रहा है। समझ आ गई होगी बात? थोड़ा कठिन एग्जाम्पल है लेकिन सरल है। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ इसी को समझाने के लिए। बताओ जो बेटा अपने माँ बाप का नाक लौंचता हो, मूछे खींचता हो, उनके ऊपर पोटी कर देता हो, तो मैं पूछता हूँ कि वो बेटे को बुरा मानना चाहिए कि अच्छा मानना चाहिए? हाँ व्यवहार में सर, बोलो आप व्यवहार में बोलो, निश्चय से कोई बात नहीं। जो बच्चा मम्मी पापा के ऊपर लैट्रिन बाथरूम कर देता हो, नाक लौंचता हो, मूछ खींचता हो, ऐसे बच्चे को घर में रखना कि फेंकना? हैं? क्यों? कितना गंदा है, इतना गंदा, समझता भी नहीं माँ बाप की इज्जत। बोलो क्या करोगे आप, बोलो। पंडित जी आप समझते नहीं हो, कोई इतना सा बच्चे की योग्यता ही ऐसी है, पॉइंट ही पकड़ाना है, इतने से बच्चे की योग्यता ही ऐसी है, उसको अभी योग्यता नहीं है इसलिए उसकी होने वाली चूक को भी उसकी नहीं कहती। चूक तो है लेकिन उसकी नहीं कहते। ऐसे पहले गुणस्थान में अनादिकाल से मोह राग द्वेष हुआ है तो पहले साल का बच्चा ऐसा ही होता है,
पहले गुणस्थान का जीव ऐसा ही होता है, वो मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, स्त्री पुत्र आदि में सब करता है, लेकिन उसकी योग्यता ही ऐसी है। चौथे गुणस्थान तक 96 रानियां रखता है, बोलो क्या करो, योग्यता ही ऐसी। अब आचार्य ने कहां से रिलीज कर दिया अपने को, वो योग्यता ऐसी है, तो योग्यता का विचार करने पर अब हमको कष्ट नहीं होता। वापस बोलो, मोह राग द्वेष को जानना नहीं, और जानने में आ जाए तो डरना नहीं। आप क्या कर सकते हो, आपका जहां जन्म हुआ वो याद आ जाए तो आप क्या करोगे, आए हैं क्या करोगे, माता पिता जानने में आ जाए तो क्या करोगे, आए हैं जानने में आ जाए तो डर नहीं है, लेकिन बैठ करके जानते रहना, आंसू बहाते रहना, उनकी याद करते रहना, वो दोष है। जानने में आ जाए तो कोई दोष, उत्तर काय के आधार से दिया, योग्यता। जिस गुणस्थान में जैसी योग्यता है वैसा राग आए बिना रहता। कर्णम योगी बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत ही सुंदर है, कोई भी परिणाम गुणस्थान का अतिक्रमण नहीं करता। क्या कहा, कोई भी परिणाम, बोलो, अतिक्रमण नहीं करता है। यदि आपको परिणाम आया है तो वो गुणस्थान हुआ था आपका, इसी का ही नाम गुणस्थान, इसी का नाम गुणस्थान। मैंने अपन बाहर से मान लो दिगंबर मुनि राज, लेकिन परिणाम आया इसका मतलब समय गुणस्थान गिर गया, फिर एकदम भेद विज्ञान हुआ, फिर वापस आए तो चढ़ गया। आचार्य या मुनिराज या साधु या साधक परिणाम गिरने से नहीं डरते, क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है गिरने वाला गुणस्थान मैं नहीं हूँ, मैं तो गुणस्थान अतीत हूँ। छठी गाथा आपने पढ़ी होगी, मैं प्रमत्त नहीं हूँ। हाँ बोलो भैया, एवं भणन्ति सद्यम वो तो ज्ञात वो तो वही है, मतलब देखो कितनी सुंदर गाथा, छठी गाथा एकदम सुंदर गाथा, जो है सो है, जो है सो है, आपने तो पूरा अध्याय लिखा इस पर। हाँ पूरी किताब लिखी, बहुत सुंदर, समझ में आ गई नहीं सबको बात, तो योग्यता का विचार करने पर अब आप बच्चे को फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे। अब वो 3 साल तक बच्चे ऐसी गलती कर रहा है, मान लीजिए बिस्तर में कर देता है, कहीं भी कर देता है, विवेक नहीं है उसको, तो आप क्या करोगे। अब 20 साल का लड़का हो गया लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको पता ही नहीं लगता है कॉन्शियस, पेट का कॉन्शियस पता नहीं लगता यूरिन का और लेट बात का, तो बताओ आप उस 20 साल के बच्चे को भी क्या करोगे। माँ बड़े प्रेम से, बेटा मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा, मेरा बेटा, इतने बड़े लड़के की भी सेवा करती है माँ, लेकिन ये नहीं कहती मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूं, ये नहीं बोलती मैं कचरा गाड़ी आती ना नगर निगम की, सूखा कचरा और गीला कचरा उसमें नहीं फेंक देती उसको। इसका मतलब ये जिनवाणी माता कहती है तुम लाख दोष करो अंजन चोर जैसे भी, लेकिन तू मेरे घर में आएगा तो मैं तुझे गले लगाऊंगी, मैं तो तुझे भगवान बताऊंगी, मैं तुझे भगवान ही बनाऊंगी। समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि रम, हमें भी परम प्रभु बनाती है वाणी। एक जिनवाणी कितनी सुंदर है, और ऐसा अमृत रोज पीने को मिले आपको तो समझ लो विश्व का कितना भाग, हम कहे 10 दिन का नहीं, 30 दिन का नहीं, पूरे जीवन आहार तक ना मिले, लेकिन ये ज्ञान का आहार ऐसा है जिसके बल पर हम आनंद काल ले लेंगे, एक समय की कमाई को अनंत काल खाए हुआ, बराबर है, कठिन तो नहीं लग रहा। आगे चलो तो बताओ मैं मोह राग द्वेष का करता हूं कि नहीं, तब दो नयों से कथन होगा, एक नये से तो कथन हो गई वो समझ ही गया, लेकिन जब ध्यानस्थ होना है, स्वरूप में मग्न होना है, तो सबसे अच्छी बात है कि अब हमें राग अपना दिखाई नहीं देता, क्योंकि योग्यता का कर्ता मैं नहीं हूँ, आत्मा का नाम योग्यता नहीं है और योग्यता का नाम आत्मा नहीं है। योग्यता है तो ऐसी गलती तो होगी, लेकिन योग्यता एक समय की होती है और आत्मा तीनों काल होता है। क्या बोला हमने, योग्यता एक समय की होती है, इसलिए ज्ञानियों को योग्यता की चिंता नहीं होती है। कमाल की बात देखी, 11वें गुणस्थान से गिर जाती और इतनी सी भी टेंशन नहीं आती, और फिर अंतर्मूर्ति में फटाफट फिर 10वां 12वां कर लेते हैं और केवल ज्ञान ले लेते हैं। जैन शासन में बहुत सुंदर बात कहने की इच्छा होती है, गिरने की चिंता नहीं है, क्या कह रहे, गिरने का भय है, सावधानी है, चरणानियों की शैली में हमें गिरना नहीं है। आचार्य तो कहते हैं एक छोटा सा बालक भी
छोटे से तकत्के से गिरने से डरता है, तो इतने बड़े महान व्रतों को धारण करके तो नीचे क्यों गिरता है कोई? वे तो ऐसा कहते हैं। तो सावधानी में तो हम रखेंगे पूरी चौकस, लेकिन फिर भी परिणाम गिरते हैं तो ज्ञाय का अभ्यास करके आत्मा में मग्न होकर गुण स्थान चढ़ जाते हैं। गिरने को भी नहीं देखना, चढ़ने को देखना है। बहुत सुंदर अभी छठी गाथा पड़ी थी, मैं गुणस्थान नहीं हूँ, परमत्व भी नहीं हूँ और अपरमत्व भी नहीं हूँ, तो दोनों प्रकार के गुणस्थान कौन से कितने हो गए? 14। वो तो मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से अपन इसकी चर्चा करी, आगे चले। मोह राग देश, मुझे पसंद नहीं है तो मेरे हैं कि नहीं, नहीं है कि नहीं। आप सोचो कि कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मानने में तो पूरी बाधा है। इसलिए ज्ञानी साधक मोह राग देश को अपना मानते नहीं है। एक तीसरा दृष्टांत जो मैंने अभी तक नहीं दिया, दो दृष्टांत दिए थे ना, तीसरा और देना है मुझे, दे दूं? बहुत सुंदर दृष्टांत। पारस, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 10 लोग हैं। बस सोच लो तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, सोच लो अच्छी तरह से, डरो नहीं, बोलो 10। और कोई से पूछो आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? भैया 1। बस और किसी का? अभी ध्यान से सुनना, आपके परिवार में मक्खी नहीं रहती घर में? आपके घर में मच्छर नहीं रहते? अरे बोलो बोलो, आप मकान बेच के निकल जाओगे तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, मक्खी को नहीं निकलना पड़ेगा। मकान बेचकर आप निकल जाओगे, चींटियों को नहीं निकलना पड़ेगा, चूहे को नहीं निकलना पड़ेगा, कांकरोच को नहीं निकलना पड़ेगा। अब बोलो तुम्हारा घर कि उनका घर? बोलो, सोचो भाई, जिस घर में से आप पैसा लेकर निकल जाओगे, घर तो वहीं रहेगा, मक्खी मच्छर को क्यों नहीं निकलना पड़ रहा है? और फिर भी तुम उनको नहीं कह रहे कि हमारे घर में रहते हैं, मक्खी मच्छर कहते तुम हमारे घर में रहते हो, नहीं समझ आया क्या कहते हैं? मक्खी मच्छर क्या बोल रहे हैं? इस घर में 10 राक्षस रहते हैं, बड़े बड़े, और इतने इतने से इतना सा खाते हो जो अपने को मार देते हैं। मारना नहीं हो कोई, जैनी लोग कभी मारते नहीं। क्या बोला हमने? अपने घर में परिवार, अपन उनको अपना परिवार का सदस्य नहीं मानते, ये मुझे कहना है। हमारे घर में रहते हैं, खाते भी हमारे ही हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, आपको खून चूस के गए कोई मच्छर और उसका DNA टेस्ट कराएं तो किसका DNA निकलेगा? वो भी हमारे ही निकलेगा। ऐसे चित विकार, शब्द दिया चित विकार, विकार में भी यदि टेस्ट करने जाएंगे तो चेतन की सत्ता निकलेगी। कैसा कमाल है, जो मक्खी मच्छर हमारे ही खाते हैं, हमारे ही घर में जन्मते हैं, हमारे में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आप उन्हें नगर निगम में वो कार्ड में उनका आधार कार्ड में उनका नाम लिखाते हो? आप अपना परिवार का सदस्य मानते हो? नहीं मानते। ऐसे आचार्य देव कहते हैं, जिसका हमें अनुभव नहीं करना है, जो हमें पसंद नहीं है, आज के बाद उसे हम अपनी सत्ता में होने पर भी स्वीकार नहीं करेंगे। सूक्ष्म वेद विज्ञान है अध्यात्म का। आप कह सकते हो हमारे में है ना, है ना, है ना, हमें ही मालूम है, लेकिन भगाना है कि रखना है? बोलो, आप तो ऐसे करें मेरे में राग है, तो ये तो ऐसी बात होगी हमारे घर में बहुत बढ़िया चोर है, तो आपको भगाना है कि रखना है? भगाना है तो कभी ऐसे नहीं बोलो हमारे घर में चोर है। ऐसी हमारी आत्मा की सत्ता में मोह राग देश है, लेकिन अनधिकृत है, मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर में मोह राग देश है आत्मा में, लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो आज के बाद फिर से पूछ रहे, अब हम फिर पूछ रहे, वेद विज्ञान की दृष्टि से स्वभाव में लीन होने के लिए मोह राग देश की सत्ता तीनों काल आत्मा में है या नहीं है? तीनों काल नहीं है, एक समय संभव। चलो बोले जाओ, एक समय बोलो, चलो एक समय है, ये भी एक नए है, इनकार नहीं है। अनुभव करने के लिए, लीनता के लिए बोलो, भारत अंग्रेजों का देश है कि भारतीयों का देश है? अंग्रेज 200 साल रहे यहाँ, 600 साल मुस्लिम नवाब रहे यहाँ पर, मुझे पता नहीं ऐसे अंदाज ना से। उसके पहले जैन रहे। अब बताओ तो फिर जैनों का देश है कि अंग्रेजों का देश है कि मुसलमानों का देश है? अब बोलो कौन का देश है? हमारा है। मूल है। अब वे तो अनधिकृत आए थे, वे भारत के नहीं थे, वे तुर्क से आए थे। बिल्लू जो पहले बार मुसलमान आए थे तुर्क से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, वे इंग्लैंड से आए थे, और वे वहां से आए थे, और हम
अब बताओ भैया, ये आत्मा मोहराग देश का है या ज्ञान का है? ये हमारा है। इसलिए मोहराग देश जानने में आने पर भी डिनाई ऑलवेज, रिफ्यूज ऑलवेज, डोंट वेलकम, कभी आदर मत करो। मेरे को बहुत सुंदर राग है, कल कहा था गोरा चोर आए अपने घर में कि काला चोर? कौन सा चोर अच्छा है, गोरा कि काला? पक्का है? बस तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ लिया अपन, पुण्य पाप अधिकार पढ़ लिया। एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी है। एक तीसरे नंबर के नहीं, इतनी पढ़ाई हो गई अपनी। एक दृष्टांत देता हूँ, पुण्य का उदय अच्छा है कि पाप का उदय अच्छा है? पारस से पूछ रहा हूँ, बोल पा रहे भरत कहाँ चला गया? उसका भाग कम था, ऐसे नहीं करना चाहिए। बोलो चलो, पुण्य का उदय अच्छा है कि पाप का उदय अच्छा है? नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले, ऐसे ऐसे नहीं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अरे अच्छा लगता है, अभी रास्ते पूछ रहे थे तुम गाड़ी में, तो उसके दृष्टांत का उत्तर है। हाँ समझ में, सभी लोग ध्यान से उत्तर सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक राजा ने फांसी की सजा दी, मतलब मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दंड। फिर उसने कहा कोई बात नहीं पारस, हम तुमसे खुश हैं, तुम उबलते हुए अटपेरा घी में कून के मरना चाहते हो या जो कोल तार होता है ना गर्मा गर्म, जिसे सड़क बनाई जाती कोल तार डांबर, तो तुम डंबर में कून के मरना चाहते हो या उबलते हुए अटपेरा घी में? बोलो क्या चाहिए? बोलो ना कौन सा चाहिए? अरे वाह, कैसे नहीं, उबलता हुआ घी, खुशबूदार गाय का असली देसी गीर गाय का घी, अरे मिलता नहीं खाने को लोगों को, तुम्हें मरने को मिल रहा है, डूबने को मिल रहा है, डूबने को मिल रहा है तरह तर। अब बोलो भाई कौन मंजूर करेगा? बोलो ऐसे ही आश्रम बन, घी में डूब के मरना चाहते कि पानी में डूब के मरना? अब बोलो तो गर्म ना हो ठंडा हो? हाँ कैसा ही हो, गर्म है ये पाप का उदय, ठंडा हो ये पुण्य का उदय, डंबर में डूब के मरना पड़े पाप का उदय, और घी में कड़कड़ाते में डूब के मरना पड़े पुण्य का उदय। ओहो ज्ञानी कहते हमें पुण्य का उदय लगता, वाह ऐसे कैसे नहीं, पुण्य पाप में अंतर है कि नहीं? तो समय साहब जी पढ़िए आप, पुण्य पाप अधिकार पढ़िए। कम्मम सोहम सुशीलम, कहो कम्मम ताबी हो दि सुशीलम, कहे तम हो दि सुशीलम, तम संसारम पवे से भी सोवर्णियम विनियलम, बंधन काला यशम पि जयपुरिसम, एवं बंधन जीवम सोहम। बोलो कम्मा कुशीले, पूरा पाठ है, पूरा पाठ। रागम माँ पुड़ माँ व संसर्गम साहीन वही विरासु कुशील संसर्ग रायण। बोलो हाँ बहुत गाता है इसकी, आगे समझ आ गई बात। अब मैं एक बस अंतिम दृष्टांत दे रहा हूँ इस बात के लिए कि मोह राग द्वेष अपना नहीं मानना, उसे देख के खुश नहीं होना, उसके कर्ता नहीं मानना। अरे उस चैतन्य को निहारो जहाँ से मोक्ष आ रहा है, जहाँ से संबंध निज रहा है। तो इसके लिए दृष्टान दे रही, अरे पंडित जी आपको पता है पुण्य के उदय में सर्वार्थ सिद्धि मिलती है? सर्वार्थ सिद्धि समझ में आती है तुमको? नहीं, सर्वार्थ सिद्धि सबसे बढ़िया स्वर्ग है भैया, सर्वार्थ सिद्धि सबसे बढ़िया स्वर्ग, वहां से अगले भाव में आके मोक्ष चली जाती है, पक्का नहीं? अब हम आपसे पूछ रहे पांडवों में से कौन खुश हुआ होगा, कौन खुश हुआ? दो मुनिराज नकुल और सहदेव, वे सर्वार्थ सिद्धि गए, वहां जाते से ही उनको अवधि ज्ञान हो जाता है, स्मरण आता है कि हम कहां से आए। तो आप सब बताइए कितने खुश हुए, वाह मेरा पुण्य का उदय, मैं सर्वार्थ सिद्धि में आ गया, क्या बढ़िया जगह आया, बता नहीं? वाह आप तो कह रहे पुण्य बहुत अच्छा है, और पुण्य के उदय से सर्वार्थ सिद्धि मिलती है, और सर्वार्थ सिद्धि मुनिराजों को ही मिलती है, और किसी को नहीं मिलती, तुम्हें नहीं मिलेगी, मुनिराजों को मिलती है। अब मैं यहां से पूछ रहा हूँ कौन खुश होगा? बोलो पुण्य के उदय में सर्वार्थ सिद्धि जाकर कौन खुश होगा? आप सब समझते हैं, ओहो काश वो शुभ भाव भी ना होता। कौन सा शुभ भाव? अपने मुनि भाइयों के प्रति ये विकल्प आया, साधर्मी बात करने का विकल्प आया कि इस समय उपसर का टाइम,
इस समय ये उपयोग आत्मा में लगाएं, शरीर में नहीं लगाएं, उपसर्ग में नहीं लगाएं। ऐसा विकल्प दो को आया, अच्छा आया कि बुरा आया? हाँ, अच्छा भाव तो यह था कि किसी मुनिराज को इस समय उपसर्ग का विकल्प नहीं आया, क्योंकि केवल ज्ञान लेने का टाइम है, मोक्ष जाने का टाइम। भाव तो ऐसा आया, इसी भाव की सजा सर्वार सिद्धि में 33 सागर। अब वहाँ से फिर रिटर्न होना पड़ेगा, फिर 9 महीना घर में रहना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर दीक्षा होगी, रिपीट अगेन। जैसे वो वीडियो गेम खेलते ना बच्चे लोग, तो फाउल हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो वापस फिर रिस्टार्ट, फिर से चलो। आप समझ गए? इसीलिए ज्ञानी साधकों को कभी भी पुण्य अच्छा नहीं लगता। देखो ध्यान से सुनना, पाप करते नहीं है और पुण्य अच्छा लगता नहीं है, और शुद्ध उपयोग अच्छा लगता है लेकिन दुर्लभ होता है, इसलिए मजबूरी में पुण्य में दिखाई देते हैं। क्या क्या बोल गए हम? फिर से बोलो। ज्ञानी को पाप कभी अच्छा लगता नहीं, पाप करते नहीं है, पुण्य जचता नहीं है, भला नहीं लगता, और शुद्ध उपयोग दुर्लभ है। वो शुद्ध उपयोग में ज्यादा रह नहीं पाते, मिलता नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं होता, दुर्लभ है। तो बेमजबूरी में क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मजबूरी में स्वभाव में दिखाई देते हैं, और स्वभाव में रहने पर भी उन्हें स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वो समय भेद विज्ञान करके शुद्धात्मा को अच्छा समझते हैं, तो भेद विज्ञान के बल पर शुद्धात्मा को पाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते। केवल ज्ञान का ये मंत्र, समाधि का ये मंत्र, रत्नत्रय का ये मंत्र, और कोई मंत्र होता आप पता? ये तो मेरा पहला समय है, पहली बार है, मैंने कभी ऐसे बोला नहीं, मेरा काम भी नहीं पड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा महासौभाग्य रहा होगा, कोई किसी संघों में इस तरह से मेरा जाना बोलना हो नहीं पाता। मैं तो आप सबसे भी चाहता हूँ, आपको कैसा लगता है, आप मेरी अनुचित वाचालता को बुराई समझते होंगे, मैं समझता हूँ। वाचालता तो वाचालता ही होती है, मुझे सुनना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी क्षमा करें आप लोग, अक्षम्य अपराध है, क्योंकि तब इतनी बात करते, थोड़ी सी बात और करें, अब चौथा और कर लेते हैं, क्योंकि आज्ञा है चौथी और करें अपन, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चौथे नए का नाम बोलो, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। हालांकि एक चीज अभी रह गई, उसको यहाँ ले लेता हूँ। अनुपचरित माने इनफॉर्मल, माने ओरिजिनल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। औपसमिक सम्यक्त में तो औपचारिकता थी, छायोपसमिक सम्यक्त में भी औपचारिकता थी, इसलिए उपचरित का विषय बनाया उसे, आंशिक शुद्ध पर्याय। जब तक 100% यहाँ नहीं आ गए, 100% चारित्र नहीं हो गया, 100% लीनता नहीं हो गई, 100% छाय सम्यक्त नहीं हो गया, तब तक तीसरे नंबर का विषय। चौथे नंबर में तो 100% एवं भूत ऋजु सूत्र नए का विषय आप इसमें आई गए, तो वो चौथे नंबर का विषय है। अर्थात केवली कहना, अरहंत कहना, छायिक सम्यक कहना, सिद्ध कहना, ये सब चौथे नंबर का विषय है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार आत्मा में है, इसलिए सद्भूत क्या है कि अनंत गुण है, अनंत गुण है, ये सद्भूत है। क्या बोला हमने, आत्मा में अनंत गुण है, ये सद्भूत है, और उनकी 100% निर्मल पर्याय वो इस चौथे नए का विषय है। याद रह जाएगी ये बात, फिर से बोलूं, क्या बोला पारस, चौथे नंबर का नायक उनका नाम बोलो पहले। अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार, सद्भुत मतलब आत्मा में होता है, तो क्या क्या है, अनंत गुण है और उनकी शुद्ध 100% निर्मल पर्याय है, दोनों चीज इसी नए का विषय है। अब हमें कहेंगे केवल ज्ञान के कर्तव्य महावीर भगवान है, मोक्ष के कर्तव्य महावीर भगवान है, आठों कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय प्रकट किए उसका कर्ता महावीर भगवान है, ऐसे हम बोलेंगे, तो ये चौथे नंबर का विषय हो गया। बराबर है, भेद विज्ञान कराऊं या केवल इसे आगे बढ़ा दें? भेद विज्ञान जरूरी है, तो बस ठीक है, भेद विज्ञान करते, अब इस पे ज्यादा विस्तार नहीं करते। तो ये देखो, एक दृष्टांत दे रहा हूँ। पहले मैं कोवा आश्रम से यहाँ तक आया, कोवा आश्रम से यहाँ तक आया, पारस मुझे गाड़ी में लेके आए, तो यहाँ पर आप कब तक बोलोगे आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, तो आप यही कहो नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, जबकि मैं मंदिर के पीछे तक आ गया,
यहाँ कोई पूछेगा तो आप क्या बोले, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। मैं मंदिर के पीछे तक भी आ गया, कोवा से स्टार्ट हो गया, थोड़े बीच तक भी आ गया, तो भी आप बोलोगे नहीं आए। जब यहाँ के खड़ा हो गया, आ गए आ गए आ गए आ गए, ऐसे ही 99% काम हो जाए तब भी हम कहेंगे नॉट कम्प्लीटेड, अभी चार्य पूरा नहीं हुआ, अभी श्रद्धा पूरी नहीं, भले ही वो असमिक है, भले ही इच्छा असमिक है, अभी पूरी नहीं हुई। 100% काम होगा उसको कहेंगे चौथे नंबर का विषय, बराबर। अपन घी निकालने का दृष्टांत समझो, दूध आ गया तो घी आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया पहले नहीं, अभी बताएंगे हम आपको। अभी दूध आ गया, अभी जमा दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई, श्रद्धा में तो घी आ गया, सम्यक दर्शन हो गया ना। अब चारित का घी निकालना है अपने को, श्रद्धा में तो 1 लीटर दूध आया, मैंने 100 ग्राम घी आया, ये श्रद्धा हो गई हमारी। अब हमने जमाने की प्रोसेस करी उसको, फिर भाया उसको, फिर मक्खन निकाला, अब मक्खन निकल के मैंने 90% काम हो गया। अब हमने गर्मी गर्म किया उसको, तपाया, तपते तपते वो घी अलग हो गया और वो कण अलग अलग हो गए, कण अलग अलग हो गए उसके, जल गया ना कुछ और कुछ बोल गया, घी निकला कि नहीं निकला। अभी हमें ये घी हलवा बनाने लायक नहीं है, पूड़ी बनाने लायक नहीं है, अब इसको छान करके अलग छान दिया और निकल आया 100% घी। हाँ अब घी निकला, हलवा बनाना तो ये घी चाहिए, वो 99% वाला घी नहीं चाहिए, वो 95% वाला घी नहीं चाहिए पूड़ी बनाने के लिए, घी कौन सा चाहिए, 100% वाला। ऐसे ही अनंत सुख चाहिए हो तो आपको 100% छाई ज्ञान प्रकट करो, छाई चारित्र प्रकट करो, छाई सम्यक प्रकट करो, इसके बिना नहीं होगा। बराबर समझ में आ गई होगी बात दृष्टांत से। तो अब हम उस तरफ चल रहे हैं थोड़ा सा, उस तरफ मतलब भेद विज्ञान, चौथा नंबर ना तो समझ में आ गया, बोलो। अनंत गुण और 100% निर्मल पर्याय, ये इसका विषय है। क्यों है इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, क्यों है इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी तो भेद विज्ञान करेंगे। चौथे नंबर का नय कहता है केवल ज्ञान का कर्ता जीव है, केवल ज्ञान का भोक्ता जीव, आनंद सुख का भोक्ता सिद्ध भगवान है, ये चौथे नंबर का नय कहेगा। बराबर बराबर, अब हम उल्टा करके समझा रहे भेद विज्ञान करके। यदि केवल ज्ञान में सुख है तो आप केवल ज्ञान की ओर देखोगे कि आत्मा को देखोगे, बोलो। आप अनंत सुख में सुख है, मोक्ष में सुख है, तो आप मोक्ष की ओर देखोगे कि अपनी ओर देखोगे। तो आचार्य देव कहते सुन, 100% निर्मल पर्याय में सुख नहीं है। जी क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, 100% निर्मल पर्याय भी नहीं देखना भाई, मोह राग द्वेष नहीं देखना, शरीर नहीं देखना, संयोग नहीं देखना, लेकिन केवल ज्ञान हो गया उसे तो देखना। सकल गेय ज्ञायक तदपि केवल ज्ञान में लीन, नहीं केवल ज्ञान में लीन नहीं, अनंत चतुष्टय में लीन, बोलो कि नहीं तदपि। अब फिर से पूछता हूँ, तो मोक्ष में सुख है कि नहीं, सोचो। अच्छा मोक्ष में जाके सुखी होते हैं या जो सुखी होते हैं वे मोक्ष जाते हैं, अब बोलो चलो। पार समझ में आया, जो दुखी होते हैं वो कार में जाते हैं और जो सुखी होते हैं वो पैदल चलते हैं, पराधीनता। हाँ कोई नहीं, पराधीनता। पॉइंट समझ में आया आपको, ऐसी गजब गजब आनंद की विषय है इसमें। ओहो केवल ज्ञान का कर्ता मानोगे ना तो भी आप दुखी हो जाओगे, क्यों, मेरे केवल ज्ञान नहीं हुआ, मुझे केवल ज्ञान करना है, कब करूंगा, कैसे करूंगा, इनको तो जल्दी हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। आचार्य या मुनिराज, मैं मुनिराज की बात करता हूँ, 22 प्रकार के परिसर में एक अज्ञान नाम का भी परिसर है। आचार्य श्री ने एक 8 साल के बालक को दीक्षा दी, पीछे सिर पर रखी आशीर्वाद के रूप में, पीसी का मतलब है तेरे सिर माथे सदा संयम रहे, पीसी संयम का उपकरण है, तो तेरे सिर माथे सदा संयम रहे, कभी तेरे ऊपर असंयम का राज ना हो, मोह राग द्वेष का राज ना हो, शीतलाचार का राज नहीं हो, पापियों का राज नहीं हो, वो पीसी रखकर आशीर्वाद दिया। दीक्षा लेते ही पहला काम होता है स्वरूपस्थ होने का, सातवें गुण स्थान में जाने का। वो 8 साल का बालक जिसने दीक्षा ली, पहली बार उसने पद्मासन से विराजा हुआ, पद्मासन से विराज से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया।
चारों तरफ इंद्र आ गए, देवता आ गए, जय जयकार होने लगी, सब देखते रह गए। इतना सा बालक मुनिराज वो केवल ज्ञान, और आचार्य की उम्र 100,000 बरस की, जिसमें 50,000 बरस से तो वो दीक्षा है उनकी, 50 बरस से तो 50,000 बरस से तो आचार्य है। तो अभी उन्होंने झट ऐसे दोनों हाथ जोड़कर उस 8 बरस के बालक वाले जिसको अभी दीक्षा देकर आशीर्वाद दिया था, जिन्होंने अभी प्रणाम किया था, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। हे प्रभु जय हो जय हो, ऐसा ईगो हर्ट नहीं हुआ, इनने केवल ज्ञान कर लिया। सारी दुनिया कहेगी गुरु गुड़ रह गए, चेला सत्तर हो गए। अब बताओ दुनिया क्या सोचेगी, जरूर मेरे में कोई कमी है, मेरे ध्यान में कमी है, मेरे वेद विज्ञान में कमी है, मेरी पुरुषार्थ में कमी है, मेरी साधना में कमी है, कि नहीं नहीं इतने विकल्प का उत्पन्न नहीं होना, अज्ञान परिचय का जीतना है। कभी ऐसा नहीं लगता, कभी नहीं लगता। ये आचार्य श्री का अद्भुत अद्भुत साधना है उनकी, अद्भुत। शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, हमसे आगे बढ़ो बहुत अच्छी बात, कितने को। एक माता पिता कभी ईर्ष्या नहीं करते और एक श्री गुरु ईर्ष्या नहीं करते, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब फिर से पूछ रहा हूँ, तो केवल ज्ञान के कर्ता मानेंगे तो ईगो होगा पक्की बात, जरूर सबको लग रहा मेरी साधना में कमी होगी, इन्हें तो अवधि ज्ञान हो गया, इन्हें मरण पर ज्ञान हो गया, और इनको तो चमत्कार हो गया, और इनको तो देवता पूछते हैं, और मुझे इसको ऐसे भी देखो कि जिसकी बहुत प्रसिद्धि होगी हो गया, इनका तो बहुत पुण्य हो गया, पुण्य नहीं हुआ तो ये हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। एक 22 परिसर में परिसर है, सत्कार पुरस्कार परिसर, किसी का बहुत सत्कार होता है, किसी का बहुत महिमा होती है, किसी की निंदा भी हो जाती है, लेकिन दिगंबर मुनि भगवान आत्मा का ही अवलोकन करते हैं, इसलिए उन्हें ये परिसर आसानी से जीत जाती, उन्हें ईगो हर्ट होता नहीं है। बराबर समझ में आ गई होगी बात। तो अभी अपन ने ये चर्चा की, तो आत्मा मोक्ष का करता है कि नहीं, कहना चौथा नंबर, और होना नहीं नहीं आत्मा मोक्ष का करता भी, केवल ज्ञान का करता भी, आत्मा शुद्ध पर्याय का भी करता, ये चौथे नंबर के नए तक भेद विज्ञान करके ऐसे आए। तो अंतिम दृष्टांत देता हूँ शराबों को, खास तौर से आप सबको तो पता ही है, शराबों को पारस को समझाता हूँ थोड़ा सा। ऋषभ आए नहीं आए, ऋषभ नहीं आए, कोई बात नहीं। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। जब केवल ज्ञान हो गया तो अनंत वीर प्रकट हो गया, बराबर है। तो अनंत वीर प्रकट हो गया और 4 घातीय कर्मों का नाश किया, इसके बाद प्रकट हुआ, तो 4 घातीय कर्मों का तो और जल्दी नाश कर देना चाहिए उनको, कर देना चाहिए फटाफट, कर ही रहा था। हाँ, इसको काहे को छोड़ा। हाँ, ये प्रश्न आ गया बहुत सुंदर। जब कर ही रहे थे तो 4 घातिया का नाश किया, 8 का क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ, इसी से सिद्ध हुआ कि भगवान कर्मों का नाश नहीं करते, वे स्वरूप में स्थिर होते हैं। जब योग्यता होती तो 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, नाश करने से नहीं होता। जब योग्यता होती है तो 4 घातिया कर्म का नाश होता है, और स्वरूप में लीन होते होते ही रहते ही जब योग्यता होती तो 8 कर्म का नाश होता है। दृष्टांत दे रहे महावीर भगवान। मैं समझता हूँ कोई भी श्रावक अमावस का दिन अच्छा नहीं समझता होगा, समझते हो आप? अच्छा, नई गाड़ी खरीदना तो अमावस को खरीदते हो? अमावस के दिन नए घर में, सुना, अमावस के दिन नए घर में कोई प्रवेश करना चाहता है? श्रावक की तरफ से कह रहा हूँ। चलो, तो महावीर भगवान तो अमावस को ही गए, और टाइमिंग भी इतना खराब बोलने की शैली हो। आचार्य महाराज कहते थे हाँ, अमावस हो पूर्णिमा हो हाँ, जिस समय तुम आत्मपरिणाम में स्थित हो वही शुभ, वही शुद्ध सन, वही शुभ मुहूर्त है, वही शुद्ध मुहूर्त है, माने जब आप आत्मा में स्थित हो यही शुभ मुहूर्त है बस। तो महावीर भगवान मोक्ष में गए, थोड़ा सोच के जाना चाहिए। 8 बजे जाते, सुबह 5:30 बजे, 5 बजे सबका सामायिक का टाइम है, सोने का टाइम है, अज्ञानियों के सोने का टाइम है। अब 4:30-4 बजे आप चले जाओ, किसी को पता भी नहीं लगे, और कोलाहल हो गया तो सामायिक वालों का सबका मन नहीं लग रहा, वो कोलाहल क्यों हो रहा है, जय जयकार क्यों हो रही है, डिस्टर्बेंस भी होगा। तो या तो थोड़ी फ्लाइट आगे जाती, या फिर शाम को ही चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर भगवान भी मोक्ष जाने के टाइम को आगे पीछे कर सकते नहीं है। अब इस अकर्ता बात से हमें निराकुलता उत्पन्न हो गई, जब मोक्ष जाएंगे हम चले जाएंगे, जब हमें संबर निजरा होना तो हो जाएगी, अब मुझे आकुलता करना नहीं है। लेकिन
ये अंतिम बात कब बताई हमने आपको, जब हमें संयोग का लक्ष्य नहीं है, एक नंबर शरीर का लक्ष्य नहीं है, नंबर दो कर्म का लक्ष्य नहीं है, नंबर दो और मोह राग द्वेष का भी लक्ष्य नहीं है, नंबर तीन, और तब कह रहे शुद्ध पर्याय का भी कर्तापना नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं कि संसार शरीर भोगों में तो मस्त है और फिर कह रहे मैं केवल ज्ञान का कर्ता नहीं हूँ, सम्यक दर्शन का कर्ता नहीं हूँ, उनके जीवन में स्वच्छता आ जाएगी। आप खाते पीते रहो और बोलते रहो, तो ऐसा नहीं है। जिन वाणी के चारों नए क्रम क्रम से हैं, पहले बाहर से दृष्टि छूटती जाती है, फिर शरीर से भी छूटती जाती है, कर्मों से छूटती है, फिर वेद विज्ञान के अगले पड़ाव पर मोह राग द्वेष की अशुभ पर्याय से भी कर्तव्य छूटता है और शुद्ध पर्याय से भी कर्तव्य छूटता है। भाई इसके फल में निर्विकल संवेदन ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो चार प्रकार के नयों से अब हमने चार गति में ना जाना पड़े और पंचम गति में हमें मिले, ऐसे चार नए अपने भी पड़े हैं। जो भी त्रुटि हो तो आप श्री उसको दूर करेंगे। मैं तो अपनी जितनी भाषा थी लघुता लघु भाषा ही है, अपने पास कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा हो गया, लेकिन अभी सुनने वाले इसका एक चार्ट बना ले। हाँ। चारों के नाम लिखें, उनके सामने जो आपने उदाहरण बताए उसमें से एक एक दो दो उदाहरण लिखें, और तीसरे नंबर पर कि इसमें छोड़ा क्या है। हाँ। पहले नंबर संयोग छोड़ा है। हाँ। दूसरे में शरीर और कर्म का ममत्व छोड़ा है। तीसरे में मोह राग द्वेष आदि परिणाम और कुछ आंशिक शुद्ध परिणाम। और चौथे नंबर पर शुद्ध परिणाम का कर्तापना भी छोड़ा, ताकि वो एक चार्ट सामायिक में भी सामने रखो तो उस पर एक मनन हो गए। ओम नमः शिवाय।